मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, फटाफट से हमारा आज के लेक्चर जो स्टार्ट करता है। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि बच्चे हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही गजब तरीके से जो है एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़े हुए हैं। उसके अंदर बच्चे बेयर्स प्रोसेस, जो हॉल हेराल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसे आप लोग जो है एग्जाम्स के अंदर जब देखोगे तो वो जो है विद्युत अपघटनी विधि, एल्यूमिनियम को जो है निष्कर्षण की विद्युत अपघटनी विधि के रूप में पूछा जा सकता है। तो वो आप लोग को क्या है याद करके रखना है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रोसेस तो वही है, नाम तो क्या बच्चे बस डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे हॉल हेराल्ड प्रोसेस करके सीखे हुए हैं बच्चे, लेकिन हमको जब एग्जाम से पूछा जाएगा तो उसी को विद्युत अपघटनी विधि करके पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं उसमें, ठीक है। चलिए बच्चे, आज का इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस आज के लेक्चर में बेटा हम लोग जो है कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेसेस के ऊपर जो है एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, निष्कर्षण जो है किया जाता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। समझ में आया? इसके अंदर बच्चे मैं जो है जैसे एल्यूमिनियम के जो है फंडे पे बोला हुआ था कि एल्यूमिनियम में सिर्फ हम लोग ऐसे जो है मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहां पे भी हम लोग वही जो फॉर्मूला बेटा यूज करने वाले, वही फंडा यूज करने वाले, मतलब जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ वही को हम लोग यहां पे करने वाले हैं। क्लियर है? जिनको भी अगर डिटेल में जाना हो, जिनको अगर डिटेल में पढ़ना, तो बेटा वो क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अइप्सा का ऐप डाउनलोड कीजिए बच्चे, और वहां पे हमारे जो कोर्सेस होंगे वहां पे परचेस करके पूरा ओवरऑल सारे जो चीजें आप पढ़ सकते हो। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? ठीक है, अब बच्चे हम लोग बात करते हैं। हम लोग जो तत्वों का निष्कर्षण या फिर सॉरी तत्वों का निष्कर्षण या एस्को का निष्कर्षण के ऊपर, हाँ बच्चे, तो हम लोग बच्चे यहाँ पे जो है एस्को के निष्कर्षण के ऊपर जो है बात कर रहे थे कि बच्चे इसके अंदर जो है हम लोग दो चीजें पढ़े थे, एल्यूमिनियम और कॉपर। क्या है एल्यूमिनियम, हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, अब कॉपर की बारी है ये भैया। ठीक है, अब कॉपर में क्या बात करेंगे, कॉपर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो हमारा जो होता है रोस्टिंग प्रोसेस। क्या बेटा? रोस्टिंग, ठीक है, ये कैरिमिनाटी वाला रोस्टिंग नहीं है भैया। ठीक है, ये कौन सा वाला रोस्टिंग है? ठीक है, ये भुनने वाला रोस्टिंग है, कैरिमिनाटी वाला रोस्टिंग अलग होता है। ठीक है, ये रोस्टिंग है। तो यहाँ पे रोस्टिंग में क्या करेंगे, हमारा जो कॉपर रहेगा उसको रोस्ट करेंगे, उसको भुनेंगे। किसमें भुनेंगे भैया? आग में भुनेंगे। सिंपल सी बात है, आग में भुनेंगे, मतलब यहाँ पे गर्म हवा होगी, गर्म हवा। ठीक है, तो यहां से बच्चे क्या होता है, गर्म हवा का फ्लो किया जाता है, गर्म हवा का फ्लो किया जाता है। और साथ ही साथ यहां से बच्चे क्या होता है, फायर भी होता है। ठीक है, फायर भी होता है। ठीक है, ये पुष्पा वाला फायर नहीं है भाई। ठीक है, फायर मतलब आग। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कमेंट करने लग जाएंगे कि भैया यहाँ से मैं फायर नहीं हूँ करके। ठीक है, देखो यहाँ से क्या है, फायर की फ्लो किया जा रहा है और गर्म हवा की फ्लो किया जा रही है। ठीक है, देखो जब यहाँ से गर्म हवा फ्लो होगा, फायर फ्लो होगी, तो यहाँ पे जो मैटर रखा रहेगा नीचे में, जो कॉपर का मैटर रहेगा, ध्यान सुनते रहना, सारी चीजों को समझते रहना। ठीक है, अब नीचे में जो कॉपर का मेटल रहेगा, ये कॉपर का मेटल ना, ये कॉपर का ही मेटल जो है क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या होगा बेटा? मेल्ट हो जाएगा। और मेरे को मेल्ट होने के बाद जो है मोल्टन फॉर्म में मेरे को मिल जाएगा, क्या, कॉपर, प्योर कॉपर मेरे को मोल्टन फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे चार्जेस जो लगा हुआ, ये चार्ज जो लगा वहां पे जो है गर्म हवा आएगी और वो क्या करेगा, कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखो इसको वापस से हम जो अच्छे कलर पे लिख देते हैं इसको, ये जो है कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर के साथ रिएक्ट करने पर कॉपर जो है मोल्टन फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से पूरा क्या होता है, रोस्टिंग का प्रोसेस जो है काम करता है। समझ आया सारे बच्चों को? रोस्टिंग मतलब भर्जन का क्रिया। ठीक है, भर्जन क्या, इसको लिखते कैसे, इसके ऊपर बात करता हूँ। देखो ध्यान सुनते रहना, ये इसको हम लोग भर्जन या फिर जारण क्रिया बोलते। कभी भी आपको एग्जाम के अंदर पूछे जारण की क्रिया क्या होती है कॉपर के लिए, कॉपर का जारण की क्रिया लिखिए या पूछे, या फिर जो है भर्जन की क्रिया लिखिए, सचित्र वर्णन कीजिए बोलेंगे, तो आप लोग को ये लिख के आना है। क्लियर सारे बच्चों को? समझ में आया? चलिए देखते हैं बच्चे क्या होता है। सांद्रित एस्को के एक जो उथले तल की परावर्तनी भट्टी, इसको अपन बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं परावर्तनी रिवर। ठीक है, ये जो रिवरबोरेटरी फर्नेस जो बोला गया ना, तो इसी को परावर्तनी भट्टी बोलते हैं हिंदी में। क्लियर सारे बच्चों को? तो परावर्तनी भट्टी में क्या करते हैं बच्चे, इसको जो है अधिक ताप पे, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, कम तापक्रम पर रखा जाता है बच्चे। क्या हो, रखकर कम तापक्रम पर क्या होता है, वायु की धारा में गर्म करते हैं। क्या बच्चे? वायु की धारा में गर्म करते हैं, मतलब गर्म हवा क्या है निकाली जाती है। और साथ ही साथ बच्चे इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? भर्जन से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, मतलब उसमें जब हम डालेंगे तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस होंगे, उसी चेंजेस के बारे में यहां मैं बात करने वाला हूं। ध्यान सुनो बच्चे, अयस्क में उपस्थित जो भी सल्फर होंगे, ठीक है, इसके अंदर जब हम डालेंगे तो क्यूप्रस सल्फाइड हो सकता है। ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड तो हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे जो क्यूप्रस सल्फाइड का जो सल्फर होगा वो जो है सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। क्या जो है सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट जब गैस बनी तो वो निकलेगा। ठीक है, लाजमी सी बात है, जब गैस बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड तो वो निकलेगा ही। ठीक है, निकलेगा तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आर्सेनिक और एंटीमनी की जो अशुद्धियां रहती है, क्यूप्रस सल्फाइड डब डालेंगे, तो उसमें एंटीमनी और जो आर्सेनिक जो इंप्यूरिटी रहती है, उस इंप्यूरिटी को अपन क्या करेंगे बेटा, वाष्प के रूप में क्या करेंगे, उड़ा देंगे, भगा देंगे। ठीक है, मतलब वाष्प बनके वो निकल जाएगी भैया, अपन नहीं भगा देंगे। ठीक है, वो निकल जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, अब पाराइट जो एस के मैं बात करूंगा,
ठीक है। पायराइट जो है एस्क कॉपर जो है, कॉपर सल्फाइड और जो है आयरन सल्फाइड क्या होते हैं, मिश्रण में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या बच्चे, कॉपर सल्फाइड या फिर जो है आयरन, जो है आयरन सल्फाइड के जो है मिक्सचर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ये तीन चीज आपको याद रखनी है और एग्जाम्स के अंदर इसको लिख के आना है। क्लियर बच्चे को? अगर मैं आपको इसको जो है केमिकल रिएक्शन की बात करूं बेटा, तो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखने होते हैं, ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है। जब हम बात करते हैं सल्फर, सल्फर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हवा आ रही है, हवा आ रही है, ठीक है। कॉपर में क्या बेटा, कॉपर में क्या, ये कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर है। कॉपर में क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड की बात कर रहा हूं मैं, क्यूप्रस सल्फाइड की। तो यहां पे जो कॉपर जो है अलग निकाल रहा है, तो ये सल्फर को हमको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सल्फर क्या करेगा, जो है वायु के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना के निकल जाएगा भाई घूमने फिरने। क्लियर है सारे बच्चों को, उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इंप्यूरिटी होगी एंटीमनी और जो है आर्सेनिक की जो इंप्यूरिटी होगी, उस इंप्यूरिटी को कैसे निकालेंगे, उसके लिए बच्चे फिर से ये जो है एंटीमनी और आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक और एंटीमनी जो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से वही जो है गैसेस बन के क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को, सारे गैसेस बन के गैसेस के फॉर्म पे ही एकदम जो है बाहर निकल जाएगी। ये बहुत ज्यादा इजी बच्चे, जब ये जो है एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगर नहीं पूछा जा रहा था तो हम यहाँ पे फोकस नहीं करते। क्लियर सारे बच्चों को, तो यहाँ पे पूछा गया है इसलिए मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या चीजें कैसे कैसे होती है, ठीक है। आप जब एग्जाम्स में आए तो बेटा इसको लिख के आना है, समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है। अब बात करूं बेटा यहाँ पे मैं CuFeS2 की बात करूं, तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेरे को क्यूप्रस सल्फाइड देगा और एफ जो है आयरन सल्फाइड दे देगा और मेरे को जो बच्चे यहाँ से जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा। ये पूरा ओवरऑल जो यहाँ पे पूरा प्रोसेस हुआ ना बेटा, यहाँ पे पूरा प्रोसेस उसी को हम लोग समराइज फॉर्म में लिख दिए हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, इस प्रकार से हम जो कॉपर जो है कॉन्सेंट्रेशन जो कॉपर हो जाएगा इसी तरीके से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, रिडक्शन ऑफ कॉपर इजी तरीके से हो जाएगा, समझ में आया सारे बच्चों को। अब यहां से आपको जो है, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये तो पहला, मैं यहां पे क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूं, लेकिन बच्चों को ये कंफर्म होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था। जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे बेटा तो आपके लिए क्वेश्चन होता है कि भाई हमारा जो कॉपर होता है उसकी भर्जन की क्रिया को समझाइए या फिर जो है जारण की क्रिया को समझाइए, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग इजी हैंडल कर पाओगे, समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है, गजब तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे बेटा तो हमको ना एक जो है क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, मैं क्वेश्चंस की जो है सीधा पिक कर रहा हूं, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहा हूं। क्यों फोकस कर रहा हूं, इसके पीछे का एक रीजन है बेटा, क्योंकि अगर मैं इसको बेसिक के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, अगर इसके मैं जो है फंडामेंटल्स के ऊपर जाऊंगा तो मेरे को ये जो लेक्चर बेटा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, अब वो बहुत लंबा हो जाएगा और साथ ही साथ बेटा वो आपके बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया तो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी बात, ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है। अब देखो बच्चे, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने बोला, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो क्वेश्चन है ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए क्या चीजें बोल रहा है, ठीक है। फफोलेदार तांबा कैसे प्राप्त होते हैं, मतलब जो हमारा ब्लिस्टर कॉपर जो होता है बेटा वो कैसे प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इस फफोलेदार तांबे में क्यों, इसे जो हम जो है ब्लिस्टर कॉपर आखिर क्यों बोलते हैं, जो फफोलेदार तांबा आखिर क्यों बोल रहे होते हैं, या फिर बच्चे कैसे पूछा जाता है मैट क्या होते हैं, ठीक है, मैट क्या है, कॉपर धातु में क्या है, बेसमरीकरण की जो है विधि होती है उसको हमको एक्सप्लेन करो, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बेटा, मैं आपको जो है एकदम शॉर्ट वे में मैं सारी चीजें एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, ठीक है, यहां पे एकदम डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन पूछा जा गया है और पूछा जा सकता है। क्लियर है सारे बच्चों को, देखो फटाफट, ठीक है, अगर मैं इसको जो है एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो अशुद्ध अशुद्ध तथा फोफलेदार तांबे प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वहां पे क्या होता है, सबसे पहले बेटा क्या होता है, प्रगलन होता है, स्मेल्टिंग होती है, किसका स्मेल्टिंग, कॉपर की स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग होता है प्रगलन, वहां पे एक भट्टी होती है, उस भट्टी में जो है वायु की अनुपस्थिति में, मतलब कम अनुपस्थिति में, ठीक है, बहुत कम मात्रा होगी लेकिन अनुपस्थिति लेके बोल सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे वायु की अनुपस्थिति में उसका क्या होता है बेटा, क्या होता है, प्रगलन किया जाता है, ठीक है, स्मेल्टिंग की जाती है, तब हमको जो है ये जो ब्लिस्टर कॉपर है ये मिलता है। क्लियर सारे बच्चों को, इसका जो है एक फंडा में हमको मिलता है, तो ध्यान से समझना और पढ़ते रहना। देखो बच्चे, प्रगलन के पश्चात, ठीक है, स्मेल्टिंग के पश्चात कॉपर में, कॉपर के जो एस्क होते हैं उसको अपन बोलेंगे मैट, क्या बोलेंगे बेटा, मैट बोलेंगे। जब हम जो है बेसमीकरण पढ़ते हैं, ठीक है, आपके बुक के अंदर जब देखना, जब वहां पर प्रगलन जो प्रक्रिया होगी उस प्रगलन प्रक्रिया में बाद जो है हमको क्या मिलेगा, FeS, ठीक है, FeS मेरे को मिलेगा, ठीक है, FeS मिलेगा, प्लस मेरे को जो है क्यूप्रस सल्फाइड इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से इनके जो मिक्सचर होते हैं बेटा, इनके जो मिक्सचर होते हैं, इन्हीं मिक्सचर को मैं क्या बोलूंगा, इनके जो मिक्सचर होते हैं इन्हीं मिक्सचर को मैं क्या बोलूंगा बेटा, हम लोग मैट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैट, ठीक है, कहां पे लिखा हुआ मैट, ये देखो मैट, ठीक है। तो जब भी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे कि मैट क्या होता है तो आप लोग इजी तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है, इसको समझने के और अच्छे तरीके, बच्चों ध्यान से देखना, यहां पे लिखा हुआ है आयरन पाइराइट एस को क्या होता है, कॉपर है बेटा, ठीक है, कॉपर सल्फाइड और जो आयरन सल्फाइड के मिश्रण को परिवर्तित, क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, मैट बोलेंगे, ठीक है। यहां पे भी आपको समझ आया होगा कि मैट की बात हो रही है, मतलब हमारे पास जो आयरन सल्फाइड, देखो आयरन सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड की बात हो गई, उसी को मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे बेटा मैट, ठीक है, समझ में आया, मैट किसको बोलेंगे, क्लियर है। अब देखो
जो हमारा लिक्विड मैट होगा, द्रवित मैट में थोड़ी सी क्या करेंगे बेटा, रेत मिला देंगे, ठीक है। हमारे पास जो द्रवित रेत होगी, सॉरी मैट होगी, उस मैट में अपन क्या मिला देंगे, रेत मिला देंगे, मतलब सिलिका मिला देंगे, ठीक है। जब रेत मिला देंगे बेटा तो क्या होगा, मिलाकर बेसमर के परिवर्तक में डाल देते हैं, क्या कर देंगे बच्चे, डाल देंगे वापस से हम लोग बेसमर परिवर्तक में, क्या करेंगे उसको डालेंगे। उसके बाद भट्टी के मैट को डालते ही नीचे से बेटा, ठीक है, अब देखो परिवर्तक है, ठीक है, उसके नीचे से कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है, तो बात क्या होगा, भट्टी में डालते ही नीचे से बेटा क्या होगा, नीचे से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है, ठीक है। अब भट्टी भाई गर्म क्या, हमारा बेसमर परिवर्तक भट्टी है, उस भट्टी से अपन क्या करेंगे, हवा तो नहीं आएगी, ठीक है, डेफिनेटली भट्टी तो गर्म तो होगा, ठीक है, मतलब वहां से गर्म हवा आएगी, लौह आए, गर्म हवा आएगी, ठीक है, गर्म गर्म हवा, जिससे क्या होगा बेटा, प्रवाहित की जाती है, जिससे जिसका परिणाम स्वरूप जो FeS है, FeS है, वो जो है FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जो हमारा सल्फाइड है FeS जो है, ठीक है, हमारा जो FeS है, आयरन सल्फाइड जो है, आयरन ऑक्साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा, FeO में जो है परिवर्तन हो जाएगा, जो जो क्या करता है बेटा, सिलिका के साथ, ठीक है, सिलिका मतलब रेत से क्रिया करके जो है फेरस सिलिकेट बनाता है, क्या बेटा, फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट मतलब फेरस सिलिकेट बनाएगा, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को, FeS SiO2 बना देगा, ठीक है, फेरस सिलिकेट बनाएगा। और सिलिकेट बनाने के बाद क्या होगा बच्चा, फेरस सिलिकेट बनाने के बाद जो है धातु मल, हाँ एक बात याद रखना, जो फेरस सिलिकेट होता है ना बेटा, उसी को ही हम लोग धातु मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, धातु मल बोल रहे होंगे, स्लैग बोल रहे होंगे, समझ में आया बच्चा, स्लैग बोल रहे होंगे, धातु मल बोलेंगे, उसी धातु मल को बच्चा आप देखो, धातु मल है बेटा तो वो क्या करेगा, तैरेगा, ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में, उसी धातु मल को हम लोग जो इजी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ये पूरा प्रोसेस है हमारा जो है ब्लिस्टर कॉपर बनने का। अभी ब्लिस्टर कॉपर खत्म नहीं हुआ भैया, खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, ठीक है। अब देखो, जो क्यूप्रस सल्फाइड का जो आंशिक रूप से क्या हुआ, ऑक्सीकृत होकर, जो हम जो है Cu2S जो रखे हुए थे ना, हमारे पास क्या था, Fe2S जो है, Fe2S जो है, ये तो भैया क्या हो गया, FeO में कन्वर्ट हो गया, FeO में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या था, Cu2S था, ये जो है कन्वर्ट किस में होगा, ठीक है, ये ऑक्सीकृत होकर बेटा, ये ऑक्सीकृत होगा, क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेंगे, मतलब Fe हो गया ये, ठीक है, मतलब CuO में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, जो बचे हुए क्या करेंगे बेटा, कॉपर सल्फाइड से क्रिया करके बनेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। यहां पे कॉपर सल्फाइड होगा, उस कॉपर सल्फाइड से क्रिया करके बेटा क्या बना देगा, SO2 बनाएगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये निकल जाएगा बाहर, बना देगा, ठीक, और निकल जाएगा बाहर, और कॉपर धातु प्राप्त होगी, जिससे इसकी क्रिया जो संपूर्ण होती है, और वायु का प्रवाह बंद कर देते हैं, और वायु का प्रवाह जो है हम लोग बंद कर देंगे। ये सारा प्रोसेस होने के बाद हम लोग जो है एयर का जो फ्लो हो रहा था बेटा, वो हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अब कम करने के बाद बेटा परिवर्तक को उल्टा करके उसमें द्रवित धातु को क्या कर देंगे, द्रवित धातु को सिलिका में बनी हुई जो टंकियों में उधेड़ देते हैं, मतलब वहां पे एक जो है कंटेनर होगा, वहां पे सिलिका होगी, ठीक है, सिलिका की बड़ी बड़ी टंकी होती है, उस टंकी के अंदर हम लोग उसको डाल देंगे, जिससे वो जल्दी से रिएक्ट हो जाए और शांत हो जाए, मतलब उसे ठंडी हो जाए, ठीक है। उस प्रकार से बच्चे हम लोग पूरा का पूरा जो है, ठीक है, जैसे जैसे तांबा जो है ठंडा होता है, ठंडा करने के लिए बेटा, जैसे जैसे तांबा जो है ठंडा होता जाता है, उसमें जो है, अब जैसे सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मैं कोई चीजें यहां पे गर्म करता हूं, तो गर्म करने से उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे साथ साथ रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बंधे रहेंगे, जब उसको ठंडा होगा तो वहां पे जो है हवा में जो निकलेगी वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो है हवा में उड़ेगी, जब हवा में उड़ेगी तो वहां पे जो कुछ ना कुछ खाली जगह बचेगी, समझ में आया, कुछ ना कुछ खाली जगह बचेगी, उसी खाली जगह में क्या होंगे, एयर्स बन जाएंगे, ऐसे बबल्स के फॉर्मेट में बन जाएंगे, उसी बबल्स को हम लोग बोलेंगे बेटा फोफलेदार तांबा, उसी को बोलेंगे हम लोग फोफलेदार, मतलब हम इसको कुछ बबल्स मिलेगी, ठीक है, बबल्स मिलेगी, उसी बबल्स के हमको जो है थोड़ा सा फुला फुला होता है ना बेटा, कभी कभी आपने आयरन के ऊपर भी देखा होगा, कभी कभी लोहे के ऊपर भी देखा होगा कैसे जो थोड़े से बबल्स बनते हैं, उसी बबल्स को बोलेंगे बेटा हम लोग ब्लिस्टर कॉपर, उसी बबल्स को क्या बोलेंगे बेटा, ब्लिस्टर कॉपर। खुली हुई जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है बुबले के रूप में बाहर निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड ही बाहर निकलेगी, और सल्फर डाइऑक्साइड जिससे सतह की क्या होती है बेटा, फफोलेदार तांबे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चा, फफोलेदार तांबा बोलेंगे, ब्लिस्टर कॉपर बोलेंगे, क्लियर सारे बच्चों को, सारे बच्चों को बहुत गजब तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत बड़ा है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, क्या कैसी चीजें जो है कैसे होती है, इसको अगर मैं पढ़ने जाऊं तो बेटा ये आपको करने की, अगर हाँ अगर बच्चे इसको हम करने जाएं तो इसको करने के लिए बहुत टाइम अपन को जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, जो आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फोकस किया, ठीक है बच्चे, समझ आया, ठीक है। अगर देखो, अगर आपको शॉर्ट टाइम में रिविजन करना है तो आप लोग इसको बारी बारी एकदम बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सुनिए, जिससे आपको ये याद हो जाएगा, निश्चित ही याद हो जाएगा बच्चे, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आप लोगों को क्या पूछा जाता है, कॉपर के विद्युत अपघटनी विधि को समझाइए। हमने एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनी विधि पढ़ा हुआ था, विद्युत अपघटनी बोल दे मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा होगा, समझ में आया सारे बच्चों को। तो वहां पे विद्युत अपघटनी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, मतलब वहां पे हम एनोड और कैथोड वाला फंडा कर रहे होंगे, और एनोड और कैथोड वाला फंडे में क्या होता है भैया, हम लोग विद्युत रासायनिक सेल पहले ही पढ़े हुए हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में कैसे चीजें होती है,
ठीक है, एनोड पर क्या होता है बच्चा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, विद्युत रासायनिक सेल भी हम लोग जो पढ़े हुए हैं। अगर जो बच्चा विद्युत रासायनिक सेल नहीं पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा होगा, तो बच्चे क्या कीजिए, रसायन की प्लेलिस्ट जो बनी हुई बच्चे वहां पे जाइए और चेक कीजिए कि भैया आपने वो किया है कि नहीं किया। अगर जो बच्चा नहीं किया तो वापस से वो चीजें समझिए, देखिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो पूरा चैप्टर बेटा आपको 5 नंबर दिलाने की शक्ति रखता है। ठीक है, अगर वो पढ़ लिए बच्चे जितना मैंने बताया हो तो वो आपको 5 नंबर दिला सकता है, 5 नंबर आपकी मुट्ठी में हो सकती है। समझ में आया सारे बच्चों को? तो चले बच्चे यहाँ को हम इसको थोड़ा सा फटाफट समझते हैं क्या चीजें होती है। ठीक है, एकदम बचपन की चीजें, कुछ यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं हो रही है, जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हो, 10वीं में पढ़ते आए हो, 11वीं में भी पढ़े होंगे, अब वापस से यही चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे विद्युत अपघटनी विधि के बारे में बात की गई, तो आखिर विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, अपन को बचपन से ही पढ़ते हैं सारी चीज, अपन को पता है विद्युत अपघटनी विधि के अंदर क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया जाता है, जिससे क्या होता है, एक जो हमारा मेटल होगा वो शुद्ध हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर की बात की गई बच्चे, ठीक है, अब कॉपर की जब बात की गई है तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम कैथोड के तौर पर क्या लगाएंगे, कॉपर का रॉड लगा देंगे, क्या बच्चा, कैथोड के तौर पर हम कॉपर का रॉड लगा देंगे। जब कैथोड के तौर पर कॉपर का रॉड लगा देंगे तो बेटा यहाँ पे इम्प्योर कॉपर का, ठीक है, इम्प्योर कॉपर का जो है हम लोग कैथोड बनाएंगे, इम्प्योर कॉपर का कैथोड बनाओगे, और ये जो पूरा का पूरा टेबल होगा बेटा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो टेबल होगा ये भी हमारा क्या होगा, कॉपर का होगा, किसका बच्चा, कॉपर का होगा। ठीक है, टेबल का, टेबल नहीं बोल सकते इसको, हम लोग बोलेंगे कंटेनर। ठीक है, ये जो कंटेनर ये भी कॉपर का होगा, और ये वाला जो फॉर्म होगा बेटा ये भी हमारा कॉपर का होने वाला है, मतलब हमारे पास जो है एनोड भी कॉपर का होगा और जो कैथोड होगा वो भी हमारा कॉपर का ही होगा। ठीक है, अब बस फर्क इतना होगा कि हमारा जो एनोड है वो बच्चे क्या होगा, हमारा प्योर कॉपर होगा, और हमारा जो कैथोड होगा वो इम्प्योर कॉपर होगा, क्या बच्चा, इम्प्योर कॉपर होगा। समझ आया सारे बच्चों को? ठीक है, क्लियर है, फटाफट देखो अब यहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराए, देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराए, अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने के बाद बेटे क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, मतलब हमारा हमारा जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो वो प्रोसेस क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, कहीं पर लिख देना फटाफट देखो। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होने वाला है, जो हमारा कॉपर है, कॉपर है, कॉपर 2+4, ठीक है, कॉपर जो है कॉपर 2+4 देगा, और जो है 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को इस तरीके से रिलीज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये तो एनोड की बात हुई, अब कैथोड में क्या होगा बच्चा, बहुत ज्यादा ही ना, एकदम बच्चों की तरह है भाई ये, इसको जब एग्जाम्स में है तो इसको लिखने आना चाहिए, ठीक है, इसको लिखने आना चाहिए कैसी चीजें होती है। ठीक है, देखो ध्यान से, जो हमारा कॉपर होगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो लिया, इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो बच्चा, हमारा जो अशुद्ध जो कॉपर है उसको एक्सट्रैक्ट करके लेगा। ठीक है, अब लेगा तो बच्चे क्या होगा, जो कॉपर 2+4 है, कॉपर 2+4 दो इलेक्ट्रॉन लेगा और मेरे को कॉपर जो है प्योर कॉपर मेरे को इस तरीके से मिल जाएगा, क्या बोलेगा, प्योर कॉपर जो मेरे को इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखो जब प्योरिफिकेशन पूरा का पूरा होगा बेटा तो मेरे को एनोड के एनोड की साइड पे मेरे को क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे एक मड मिलेगा, क्या मिलेगा, गंदगी यहाँ नीचे रहेगी। अब उसको शुद्ध हुआ है तो उसकी अशुद्धियां कहाँ जाएगी भैया, इसी सॉल्यूशन के अंदर आने वाली, इसी सॉल्यूशन के अंदर आने वाली, समझ आया, इसी सॉल्यूशन के अंदर आने वाली, तो वहां पे जो नीचे में सेटल हो जाएगा बेटा, अशुद्धियां जो नीचे में सेटल हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलेंगे एनोड मड, इसको अपन बोलते हैं एनोड मड, ये एनोड के नाम से हुआ है तो बेटा इसको बोलेंगे हम लोग एनोड मड। क्लियर है सारे बच्चों को, यहाँ किसके नाम पे बोला हुआ है, एनोड मड बोला गया है। अगर इसको लिखना है बेटा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, देखो बच्चे ध्यान से सुनते रहना, मैं बता दे रहा हूँ, विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है, इसमें अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए एक बड़ी टैंक में बेटा 15% क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, बहुत सब कॉपर भाई, यहाँ पे सब कॉपर की बात होगी, हमारा एनोड कॉपर का, हमारा कैथोड कॉपर का, हमारा सॉल्यूशन भी कॉपर का, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया और इसके अंदर जो बेटा H2SO4 का जो ही सॉल्यूशन ले आएगा, ठीक है, मतलब विलयन बना दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब विलयन बनाने के बाद जो अशुद्ध कॉपर की धातु की, ठीक है, मोटी प्लेट को अपन क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चे, एनोड बनाएंगे और कैथोड में आप लोग शुद्ध धातु लगाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, मतलब भाई सिंपल सी बात है कि ये जो फंडा पूरा का पूरा है ना, यहाँ पे जो हमारा एनोड जो होगा, ठीक है, हमारा एनोड जो होगा वो क्या होगा बेटा, एनोड जो है हमारा जो शुद्ध धातु, सॉरी एनोड जो है बेटा हमारा जो है क्या होने वाला है, अशुद्ध धातु का होने वाला, अशुद्ध धातु का होने वाला है, क्या बच्चा, अशुद्ध धातु का हमारा जो एनोड होगा कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या होगा, अशुद्ध धातु का होगा एनोड पे, ठीक है, एनोड पे, मतलब ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा जो है अशुद्ध इम्प्योर धातु का, ये बच्चा हमारा क्या है, इम्प्योर है। समझ आया सारे बच्चों को, मैंने बोला ये पूरा टंकी जो है, जो टंकी बना हुआ बेटा ये हमारा क्या, इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, शुद्ध धातु का बना हुआ है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? अब देखो जो कॉपर जो है शुद्ध धातु कॉपर है वो हमारा क्या होगा, कैथोड बनेगा, क्या बच्चा, कैथोड बनेगा, समझ में आया, वो हमारा क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, कैथोड की पतली प्लेटों को कैथोड लगाकर विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर शुद्ध तांबा जो है घुलकर, एनोड पर शुद्ध तांबा जो है घुलकर क्या होता है, विलयन में चला जाता है और अशुद्ध जो, हाँ सॉरी, अशुद्ध तांबा जो है घुलकर, ठीक है, शुद्ध नहीं भैया, अशुद्ध, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत हो गई, गलत मैंने खुद बोल दिया बच्चे, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, अशुद्ध तांबा, ठीक है, इम्प्योर, जैसे हम लोग एनोड मड बोलते हैं ना, एनोड मड उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो अशुद्ध जो तांबा होगा,
ठीक है, इंप्योर जो कॉपर होगा वो घुल कर क्या होगा सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, नीचे चला जाता है और अशुद्ध धातु जो होता है वाष्पशील होकर, वाष्पशील तांबा जो होता है कैथोड पर मेरे को जो है जमा होने लगता है, कैथोड पर मेरे को जमा होने लगता है। उस प्रकार से बच्चे अपन जो है पूरे का पूरा जो है एनोड में नीचे के तल पर हम लोग जो है AU AGT SC SB ये सारे के अशुद्धियां हम लोग नीचे में पाते हैं, वही उसी को हम लोग बोलते हैं एनोड मल्ड बोल रहे होते हैं। किसका? एनोड मल्ड बोल रहे होते हैं। इसी को हम लोग एनोड जंक या फिर एनोड पंख जो भी बोलना है बेटा आप लोग बोल सकते हो। एनोड मल्ड आपको याद रखना, ये आपको एक नाम बस याद रखना यहाँ पे एनोड मल्ड, ठीक है, एनोड मड बोल रहे होते हैं, समझ में आया। और कैथोड पर मेरे को बच्चे 99%, ठीक है, कैथोड पर मिलेगा बच्चे, आप लोग को याद रखना एकदम, ठीक है, कैथोड पर 99% जो है प्योर कॉपर मेरे को मिलेगा, प्योर कॉपर मिलेगा, ठीक है, कैथोड पर मिलेगा, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। वापस से आपको की पॉइंट बताता हूं मैं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। मेरे को जो है बच्चा, मैं जो है कैथोड जो है, मैं कैथोड जो है, कैथोड जो बेटा प्योर मेटल का बनाया हूं, किसका? प्योर कॉपर का बनाया हूं, ठीक है। हमारा जो एनोड जो बेटा, जो एनोड जो है, मैं वापस से आपको बता दे रहा हूं, एनोड जो है इम्प्योर कॉपर का बनाया हूं, इम्प्योर कॉपर का बनाया हूं, ठीक है, इम्प्योर कॉपर का बनाया हूं, क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, प्रोसेस क्या हुआ, देखो प्योर कॉपर से हमको जो है कोई मतलब नहीं है, प्योर तो प्योर ही है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर कॉपर को शुद्ध करना, तो हमको क्या करेगा बेटा, जब इसको ये करेगा विद्युत अपघटन होगा इम्प्योर का, तो वहां से बच्चे मेरे को नीचे में क्या होगा, इम्प्योरिटी नीचे सेटल्ड हो जाएगी, इसी को मैं एनोड मड बोल रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे मेरे को कैथोड में ही मिलेगा, इस एनोड में तो कुछ नहीं मिलेगा, कैथोड में मेरे को क्या मिलेगा, प्योर मेरे को जो है तांबा मिलने वाला है, जो प्योर तांबा बेटा मेरे को क्या मिलेगा, कैथोड में ही मिलेगा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है एग्जाम्स के अंदर, जब भी आए ये प्रोसेस बेटा, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखने आना चाहिए, समझ आया सारे बच्चों को, ये प्रोसेस आप लोग याद कर सकते हो बेटा। इस प्रकार से बच्चे हम लोगों ने पूरा का पूरा बच्चे आपके जो थे कॉपर में निष्कर्षण के बारे में बात करूं, तो कॉपर का निष्कर्षण यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रिफाइनिंग कैसे की जाती है मेटल्स की, धातु का जो रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, शोधन कैसे किया जाता है, शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। उसके अंदर बच्चे मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि हम वहां पर सिर्फ दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे, पहला जो मेथड होगा बच्चे वो जोन रिफाइनिंग होगा, और दूसरा जो मेथड होने वाला है वो मेरे क्रोमेटोग्राफी होने वाला है, समझ आया सारे बच्चों को। तो वहां हम दो प्रोसेसेस यहां पे पढ़ेंगे, सिर्फ दो ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो दो जो है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज अपन जो है मैं बता तो दूंगा लेकिन बच्चे उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे हमको हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल के लिए। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे जाओगे, जब कुछ पूरा का पूरा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तब वो हमारे लिए पढ़ना बेनिफिशियल होगा, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। तो इस प्रकार से बच्चे हम ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, जाइए बच्चे अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छे तरीके से फोड़िएगा, बाय बाय।